हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखा था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने देखा था कि हमारे ग्लोमेरुलस, ये हमारा बोमन कैप्सूल, ये वोमेन कैप्सूल, और वोमेन कैप्सूल के अंदर क्या हो रहा था, यहां पर एफ्रंट आर्ट्रियोल का एक बंच आया, तो हमने क्या देखा था यहां पर कि एफ्रंट आर्ट्रियोल से यहां ब्लड आया था और इफ्रंट आर्ट्रियोल से यहां से ब्लड पास आउट हुआ था। अब यहां पर ये वाला पोर्शन क्या था, ग्लोमेरुलस, और ये वाला पोर्शन क्या था, ये वाला पोर्शन था हमारा वोमन कैप्सूल। तो हमने यहां देखा था कि ये जो एफ्रंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस के अंदर जैसे ही आता है तो ये छोटी 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 कैपिलरीज में डिवाइडेड हो जाता है। इन कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। जनरली क्या होता है कि कैपिलरीज आपस में इंटीग्रेट होकर वेन्यूल का फॉर्मेशन करती हैं, पर यहां पर क्या हो रहा है कि कैपिलरीज अगेन इंटीग्रेट होकर किसका फॉर्मेशन कर रही है, इफ्रंट आर्ट्रियोल का फॉर्मेशन कर रही है, और इफ्रंट आर्ट्रियोल से ब्लड आगे बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर हमने ये देखा था कि एक प्रेशर यहां पर वर्क कर रहा था, जो प्रेशर एक तरह से रिजल्टेंट प्रेशर था। कौन सा प्रेशर था, एक तरह से रिजल्टेंट प्रेशर था, क्योंकि कुछ प्रेशर ऐसे थे जो इस फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रहे थे और कुछ प्रेशर ऐसे भी थे जो इस फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे। तो नेट जो फिल्ट्रेशन प्रेशर जो था वो हमारा पॉजिटिव आया था। हमने क्या देखा था यहां पर कि एक हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था जिसके जो कि फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर था जो कि फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा था, और इसके अलावा एक कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था जो कि फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा था। फिर भी हमने ये देखा कि हमने ये देखा था कि हमारा जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर था वो हमारा कैसा आया, पॉजिटिव आया, और इसकी वैल्यू कितनी आई, तकरीबन इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 15 mm लेवल ऑफ HGI। तो यह वो प्रेशर था जिस प्रेशर की वजह से यहां पर रिजल्टेंट फिल्ट्रेशन का काम हो रहा था। अब यह कैपिलरी नॉर्मल बॉडी कैपिलरी के कंपेयर में काफी ज्यादा डिफ्यूजेबल होती हैं। यहां पर मटेरियल का डिफ्यूजन एज कंपेयर टू नॉर्मल कैपिलरी काफी ज्यादा होता है। नॉर्मल ब्लड कैपिलरी में इतना ज्यादा डिफ्यूजन नहीं होता है जितना ज्यादा हमारे इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर देखने को मिलता है। अब यहां पर आया क्या, ब्लड में से काफी ढेर सारा मटेरियल फिल्टर होके यहां पर आ गया। कहां पर आ गया, वो हमारे वोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया। जो भी मटेरियल हमारा वोमेन कैप्सूल के अंदर आया उस मटेरियल को हमने क्या बोला था, उस मटेरियल को हमने बोला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
तो जो भी मटेरियल यहां से फिल्टर होकर कहां पे आया, हमारे वोमन कैप्सूल की ल्यूमेन के अंदर आया, उसे हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन, उसे हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला। अच्छा ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन काफी हद तक किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे हमने देखा कि एक प्रेशर ऐसा था जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा थी और फिल्ट्रेशन को हेल्प कर रहा था, वो कौन सा था, वो हमारा था ग्लोमेरुलर प्रेशर, जिसकी वैल्यू जो है हमने देखी थी कि तकरीबन कितनी थी, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 60 mm लेवल ऑफ Hg थी। ठीक है, तो वो प्रेशर किसकी वजह से डेवलप हुआ था, ब्लड प्रेशर की वजह से डेवलप हुआ था। मतलब यदि इसकी वैल्यू, किसकी, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट उतना ज्यादा बनेगा, और इस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन कम होगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हुई कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। इट बिकम क्लियर, ये तो समझ में आ गया। अब एक मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं GFR के नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं। तो एक मिनट में जितने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का फॉर्मेशन होता है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं। अब मतलब इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन पर मिनट। एक मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं। और हमारी दोनों किडनीज के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होता है, जो GFR की वैल्यू होती है, वो वैल्यू कितनी होती है, 125 ml पर मिनट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट कितनी हो गई, इसके ऊपर कई बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेट 125 ml पर मिनट, ये याद रखिए। अब देखो हमारा जो हार्ट हमारी बॉडी में जितना ब्लड पंप करता है उस ब्लड का 1/5 पोर्शन किडनी को पास आउट किया जाता है। मतलब कि 1/5 हमारे हार्ट ने एक मिनट में कितना ब्लड पंप किया, एक मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। और एक बार हार्ट बीट हुआ, उसने बॉडी में कितना ब्लड फेंका, कितना ब्लड उसने पंप किया वेंट्रिकल के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो कार्डियक आउटपुट क्या हुआ, हमारे हार्ट ने एक मिनट में कितना ब्लड पंप किया। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट बीट कितनी होती है हमारी, हार्ट बीट होती है हमारी तकरीबन
72 बीट पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हार्ट एक बार जब बीट होता है तो कितना ब्लड वो बॉडी में थ्रो करता है, फेंकता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 70 ml। तो इस तरह से हमारा जो कार्डियक आउटपुट आता है वो तकरीबन 5 लीटर आता है, कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट 72, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, तो अप्रोक्सीमेट 5040 ml, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 5 लीटर आ जाएगा। तो कार्डिक आउटपुट की वैल्यू कितनी हो गई, कार्डिक आउटपुट की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 5 लीटर समथिंग समथिंग, ठीक है, ये हमारी वैल्यू कार्डिक आउटपुट की है। अब जितना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसका 1/5 पोर्शन किसको सप्लाई किया जाता है, हमारी किडनी को सप्लाई किया जाता है। इट बिकम क्लियर, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि 1/5 पोर्शन ऑफ द ब्लड ट्रांसफर टू वर्ड द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन, जितना बॉडी को हार्ट बप कर रहा है उसका परमिट किडनी को कितना जा रहा है, तो 1/5 ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट इनटू किडनी बाय हार्ट, तो हार्ट ने जितना ब्लड पंप किया उसका कितना ब्लड अप्रोक्सीमेट, कितना ब्लड उसने अप्रोक्सीमेट 1/5 वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है किसको ट्रांसफर कर दिया, किडनी को ट्रांसफर किया, तो 1/5 वॉल्यूम ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट इनटू द किडनी बाय हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोल, तो एक सिस्टोल में हमारा हार्ट 1/5 वॉल्यूम ऑफ ब्लड किडनी को ट्रांसफर कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमारी दोनों किडनी के अंदर मिलाकर तकरीबन अप्रोक्सीमेट में वैल्यू बता रहा हूं, इट नॉट ए परफेक्ट वैल्यू, कि हमारी दोनों किडनीज के अंदर अप्रोक्सीमेट 1250 ml ब्लड पर मिनट आता है, ये किसमें ट्रांसफर हो रहा है, इतना ब्लड किडनी में ट्रांसफर हो रहा है, इतना ब्लड किसमें ट्रांसफर हो रहा है, किडनी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, इट बिकम क्लियर। तो अप्रोक्सीमेट 1250 ml ऑफ ब्लड किडनी को ट्रांसफर हो रहा है। अब आप जानते हो कि हमारे ब्लड में 52 से लेकर 55% किसकी अमाउंट होती है, प्लाज्मा की अमाउंट होती है। अब इतना ब्लड हमारी बॉडी में आया, मतलब किडनी में आया, तो अब हम देखेंगे कि इसका अप्रोक्सीमेट, इसका 52 से लेकर 54% क्या है, इसमें प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा इसमें ब्लड सेल्स, क्या हो जाएंगे इसमें ब्लड सेल्स, ठीक। तो प्लाज्मा की अमाउंट कितनी हो गई, 52 से 54%। हम रफली जब डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं क्या है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिस्कस किया था, 55%, ठीक है, तो मोटे तौर पर 55%, पर एक्चुअल जो वैल्यू है वो 52 से लेकर 54-55 भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट वेरी करती है, ठीक है। तो इतने जो क्या होता है ब्लड में, जो ब्लड हमारी किडनी में आ रहा है, कितना ब्लड आ रहा है, 1250 ml ब्लड आ रहा है, तो इसमें प्लाज्मा की अमाउंट कितनी होगी, इसमें 52 से लेकर 54% क्या होगा, इसमें प्लाज्मा होगा, 50 इतना प्लाज्मा होगा, मतलब प्लाज्मा की वैल्यू कितनी हो गई, प्लाज्मा की वैल्यू हो गई यहां पर, यदि हम ये परसेंटेज निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 670 something ml समथिंग क्या आ जाएगा यहां पर, प्लाज्मा। तो इतना प्लाज्मा पर मिनट
किडनी में आ रहा है, किडनी के नेफ्रॉन्स में आ रहा है। कितना प्लाज्मा परमिट आ रहा है? 750 ml प्लाज्मा परमिट हमारी किडनी को पास आउट हो रहा है, ठीक है। और परमिनेंट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कितना बन रहा है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन कितना हो रहा है? अप्रोक्सीमेट 125 ml समथिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस बेस पर हम फिल्ट्रेट फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? हम फिल्ट्रेट फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब व्हाट इज द फिल्ट्रेट फ्रैक्शन? फिल्ट्रेट फ्रैक्शन से हमें क्या पता पड़ता है? फिल्ट्रेट फ्रैक्शन से हमें यह पता पड़ता है कि जितना प्लाज्मा हमारे किडनी में आ रहा है, किडनी में से ब्लड सेल्स तो फिल्टर नहीं हो सकते, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड सेल तो फिल्टर नहीं हो सकते, किसका फिल्ट्रेशन होना है? प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होना है। तो कितना प्लाज्मा किडनी के अंदर गया और उसमें से कितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो गया, इसकी जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इस वैल्यू को हम जो है फिल्ट्रेट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिल्ट्रेट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ये जो वैल्यू, इतना प्लाज्मा हमारी किडनी में गया है ना, तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे रीजनल प्लाज्मा फ्लो। ये वैल्यू किसकी हो गई? ये वैल्यू हो गई हमारे रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसको रीनल प्लाज्मा की फ्लो क्यों बोला? इट बिकम क्लियर, क्योंकि हमारी किडनी में 670 ml प्लाज्मा पर मिनट हमारी किडनी में जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया रीनल प्लाज्मा फ्लो। मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? RPF। अब फिल्ट्रेट फ्रैक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेट फ्रैक्शन इक्वल टू ये होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। ये क्या हो गया? रीनल प्लाज्मा फ्लो अपॉन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या इसे हम रीनल फिल्ट्रेशन रेट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, हाँ, रीनल प्लाज्मा फ्लो अपॉन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब देखो, रीनल प्लाज्मा फ्लो की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 670 समथिंग। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू कितनी होती है? इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, एक सिली मिस्टेक हो गया। तो देखिए, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो फिल्ट्रेट फ्रैक्शन की वैल्यू मतलब होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू होगी हमारी 125 अपॉन 670। कितनी आएगी? 125 अपॉन 670। और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा अप्रोक्सीमेट 0.17। कितना आएगा? ये 0.17 समथिंग आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा फिल्ट्रेट फ्रैक्शन। ये क्या हो गया हमारा? फिल्ट्रेट फ्रैक्शन। इट बिकम क्लियर? ये थोड़ा सा आपको टफ जाएगा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है, पर ये वैल्यूज आपको आना चाहिए कि हमारी किडनी में पर मिनट कितना ब्लड जाता है या कितना प्लाज्मा जाता है, और पर मिनट कितने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया ना आपको। तो हमने फाइनली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या देखा था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने ये देखा था कि हमारी किडनी के अंदर पर मिनट कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा था, या किडनी के अंदर जो GFR की जो वैल्यू, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू कितनी थी?
125 ml पर मिनट, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की वैल्यू है। मतलब कि 24 आवर्स में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो वैल्यू है, अभी हमने देखा कितनी थी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट। तो 24 आवर्स में, 24 घंटे में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनना है, यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए, इसे कैलकुलेट करके हम लीटर में यदि इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं तो कितना, 180 लीटर समथिंग। तो वोमन कैप्सूल में जो फिल्टर होके आ रहा है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, वो कितना है, 120 लीटर। हम एक 24 आवर्स में, 24 आवर्स में जो यूरिन बनती है वो कितनी बनती है, तो 24 आवर्स में जो एवरेज यूरिन फॉर्मेशन होता है वो होता है 1.5 लीटर यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो 124 आवर्स में 180 लीटर क्या बना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और 1.5 लीटर क्या बना, यूरिन। मतलब जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हुआ वो पूरा पूरा यूरिन बाहर नहीं निकल जाता। ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सन जो है 180 लीटर यूरिन 24 आवर्स में करता हो, इट इज नॉट पॉसिबल। 24 आवर्स में यूरिन कितनी बनी, 1.5 लीटर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बना, 180 लीटर। मतलब कि जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है रफली मोटे तौर पर, हालांकि 1% से वैल्यू कम आएगी, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का ओनली रफली जो 1% है वो क्या बना रहा है, यूरिन बना रहा है। एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो 0.8% होती है। मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का ओनली 0.8% जो है वो क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। पर रफली हम क्या बोल सकते हैं कि जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना उसका ओनली 1% क्या बना रहा है, यूरिन बना रहा है। अब इस बात से क्या मतलब निकलता है, इस बात से मतलब ये निकलता है कि जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का क्या हो रहा है, बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। यहां पर क्या हुआ कि ब्लड प्लाज्मा में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो सब फिल्टर होके बाहर आ गई, वो सब फिल्टर होके बाहर आ गई। तो हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होगा उसमें आपको ढेर सारे इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसके अंदर आपको ढेर सारे इसेंशियल सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें आपको ग्लूकोज दिखाई देता है, इसमें आपको अमाइनो एसिड्स दिखाई देता है, इसके अंदर आपको वाटर सोल्यूबल विटामिन दिखाई देंगे, आपको इसके अंदर क्या दिखाई देंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन दिखाई देंगे, आपको इसके अंदर यूरिया दिखाई देगा, यूरिक एसिड दिखाई देगा, इसके अंदर आपको क्रिएटिनिन दिखाई देगा, इसके अंदर आपको हिप्पूरिक एसिड दिखाई देगा, इसके अंदर आपको मिनरल्स दिखाई देंगे। तो ये सब चीजें आपको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर दिखाई देती हैं। कौन कौन सी चीजें पास आउट नहीं हो पाती हैं, कौन कौन सी चीजें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में अब्सेंट होती हैं, वो क्या क्या दिखाई देंगे आपको। नंबर वन, कौन कौन सी चीजें ब्लड यहां देखने को नहीं मिलती ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, तो देखिए आपको ब्लड सेल्स,
प्लस लार्ज प्रोटीन्स, ये आपको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी के ढेर सारे सब्सटेंस आपको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में देखने को मिलते हैं। अब इसमें से ढेर सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो बॉडी के काफी मतलब के हैं, बॉडी के काफी काम के हैं, तो उनका क्या होना है, रीअब्जॉर्प्शन होना है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो GFR का वैल्यू कितना था, 125 ml/min 24 आवर्स में कितना बना GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कितना बना, 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। तो 24 आवर्स में 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। इसमें से अप्रोक्स 1% से क्या बना, यूरिन बना, और 99% का क्या हुआ, रीअब्सॉर्ब हुआ। रीअब्सॉर्ब हुआ, तो 99% का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ओनली 1% का जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, 1% ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, वो उससे क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है। मतलब कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का 99% पोर्शन रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अब मटेरियल का रीअब्सॉर्ब होना यह बॉडी की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल होती है, या हमारे जो ये रीनल ट्यूब्यूल होती है, इस पूरी की पूरी ट्यूब्यूल के अंदर आपको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जो साइट होगी, तो साइट ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जो साइट होगी वो साइट क्या क्या होगी, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। यू मस्ट रिमेंबर कि कलेक्टिंग डक्ट नॉट इंक्लूड इन द नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन में नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो नेफ्रॉन में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां कहां होगा, बीसीटी में होगा, लूप ऑफ हैनले में होगा और डीसीटी में होगा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, लूप ऑफ हैनले एंड डीसीटी। तो यहां पर सब जगह आपको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स के लिए बॉडी में एक लिमिट होती है, किसी मटेरियल को बॉडी में एक लिमिट तक एब्जॉर्ब किया जाता है, उससे अधिक अमाउंट में कोई सब्सटेंस होता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो लिमिट होती है इसे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ सब्सटेंस।
तो ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। सपोज दैट बॉडी के अंदर ग्लूकोज की नीड ज्यादा है तो ग्लूकोज के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू काफी ज्यादा होगी, और जैसे यूरिया, यूरिया के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू काफी कम होगी। अब क्रिएटिनाइन, क्रिएटिनाइन बॉडी का कोई मतलब का है नहीं तो उसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू बिल्कुल नील होगी। तो अलग अलग सब्सटेंस की का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अलग अलग अमाउंट में होता है। मैं इसको आपको ऐसे समझा सकता हूं, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली जनरल के लिए जो है सपोर्ट डेट 200 वैकेंसी, बैकवर्ड क्लास के लिए 50 वैकेंसी, एसटी के लिए मान लीजिए 10 वैकेंसी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं वैकेंसी में, इसी प्रपोर्शन में जो है जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जनरल में से कितने, जनरल के लिए सपोर्टेड 200 वैकेंसीज है तो 200 जनरल कैटेगरी के लोग लिए जाएंगे, बैकवर्ड क्लास के लिए 50 है तो 50 बैकवर्ड क्लास के लिए जाएंगे। तो उसी तरह से इस यूरिनिफेरस में जो ट्यूब्यूल होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उनको यहां पर क्या किया जाता है, उनको यहां पर एब्जॉर्ब किया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि यहां पर जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो कैसा हो रहा है, पैसिव हो रहा है कि एक्टिव हो रहा है। तो यहां पर दोनों तरह का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। कुछ सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन आपको पैसिव देखने को मिलेगा जिनकी आवश्यकता बहुत कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, और कुछ सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन आपको एक्टिव देखने को मिलेगा क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर नीड काफी ज्यादा है। अब ये जो आप देख रहे हो पीसीटी, पीसीटी के अंदर आपको सीलिएटेड ड्यूवाइडर एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो है लूप ऑफ हेल्ले है, लूप ऑफ हेल्ले में आपको ऊपर की साइड में सीलिएटेड एपिथेलिया और नीचे की साइड में आपको स्क्वायमस एपिथेलिया की लाइनिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारा ये कौन सा है डीसीटी, तो डीसीटी पे आपको सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलिया देखने को मिलेगी, और इसके अलावा थोड़ी सी अमाउंट में आपको कॉलमनर एपिथेलिया भी देखने को मिलेगी, वो भी सीलिएटेड। तो आपको इस तरह की लाइनिंग इसके अंदर देखने को मिलती है जो कि मटेरियल के एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आपको यहां पर हम देखते हैं कि किस किस तरीके से एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम को हम जो केयरफुली देखते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पीसीटी के बारे में, कि पीसीटी में क्या हो रहा है, किस तरह से एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। ये हो गया हमारा पीसीटी। अब पीसीटी में हम एक लिस्ट के फॉर्म में डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस का यहां पर एक्टिव होना है, कौन कौन से सब्सटेंस का पीसीटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दैट एब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। एब्जॉर्प्शन इन पीसीटी प्रॉक्सिमल कर्वलेटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग, कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन कौन कौन से सब्सटेंस का देखने को मिल रहा है। इफ वी डिस्कस अबाउट द एक्टिव एब्जॉर्प्शन तो हम इसमें क्या देखते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन पीसीटी में दिखाई देगा आपको ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स का आपको एक्टिव एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहां पर जो आयंस हैं और विटामिन्स हैं उनका भी आपको एक्टिव एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन दिखाई देगा, डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, पोटेशियम आयन का भी आपको एब्जॉर्प्शन दिखाई देगा, आपको क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन का भी आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा यहां पर। यहां पर आपको
हाइड्रोजन आयन का भी आपको एब्जॉर्प्शन, सॉरी हाइड्रोजन आयन का आपको यहाँ पर इलिमिनेशन देखने को मिलेगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा, इन सब्सटेंसेस का आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। कौन सा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन आपको इन सब्सटेंसेस का देखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें से भी क्लोराइड में हटा देता हूं, क्लोराइड का मोस्टली केसी होता है क्योंकि जब सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज है जब वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्लोराइड तो नेगेटिव चार्ज है ना, जहां जहां पॉजिटिव जाएगा पीछे पीछे नेगेटिव चला जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब पीसीयू को लेकर बात करें कि पीसीयू एब्जॉर्प्शन पीसीटी में किसका होना है। इफ यू डिस्कस अबाउट द पीसीयू एब्जॉर्प्शन तो वो किस किस का होगा? वाटर का पीसीयू एब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। वाटर के अलावा हमें क्लोराइड आयन का यहां पर पीसीयू एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। थोड़ी सी अमाउंट में यूरिया का भी पीसीयू एब्जॉर्प्शन यहां देखने को मिलता है पीसीटी पे। अब पीसीटी पे इलिमिनेशन कुछ मटेरियल यहां पर डाला भी जाता है, बाहर भी रिमूव किया जाता है। यहां पर अमोनिया और हाइड्रोजन आयन को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन यहां दिखाई देगा। तो आप देखेंगे कि जो भी ग्लेवन स्पिरिटेट आया है उसमें से जैसे बाइकार्बोनेट को निकाल लिया, सोडियम आयन को निकाल लिया, ग्लूकोज को निकाल लिया, यहां पर इन सबको निकाल लिया जाता है। कैसे निकलते हैं ये? यहां पर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है, तो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो होता है वो इन मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में। लूप ऑफ हेनले का ये डिसेंडिंग कॉलम है और ये असेंडिंग कॉलम। तो डिसेंडिंग जो कॉलम होता है लूप ऑफ हेनले उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो असेंडिंग कॉलम होता है वो वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, तो वहां केवल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, अब हम ये देखेंगे कि लूप ऑफ हेनले में किस किस का एक्टिव एब्जॉर्प्शन दिखाई दे रहा है और किस किस का पैसिव एब्जॉर्प्शन दिखाई रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा? डिसेंडिंग कॉलम। तो लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग कॉलम में वाटर का एब्जॉर्प्शन दिखाई देगा क्योंकि यह वाटर के लिए परमेबल होता है डिसेंडिंग कॉलम। असेंडिंग कॉलम परमेबल फॉर सॉल्ट एंड इम्परमेबल फॉर वाटर, तो असेंडिंग कॉलम में आपको सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन दिखाई देगा। किसका एब्जॉर्प्शन दिखाई देगा? सॉल्ट्स का। इट बिकम क्लियर? ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब ये आता है हमारे यहां पे क्या, डीसीटी। तो डीसीटी पे हम क्या देखते हैं कि डिजिटल परमिलेटेड ट्यूबिल पे हम क्या देखते हैं कि यहां पर वाटर का पेसियो एब्जॉर्प्शन दिखाई देगा। वाटर का क्या होगा? पेसियो एब्जॉर्प्शन दिखाई देगा, और उसके बाद यहां पर मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स होगा। इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स मतलब बीसीटी पर वाटर और मिनरल का बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन होना है वो कैसा होना है? हार्मोन्स के अंडर में होना है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है। तो सिलेक्टिव जो ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन है वो बेसिकली पूरी की पूरी रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है, पेसिव भी हो रहा है, एक्टिव भी हो रहा है,
और 99 सब्सटेंस का सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया आपको। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा कहां पर, पीसीटी पर। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होगा, आपका आंसर होगा पीसीटी। आपसे ये पूछा जाए कि वाटर का मिनरल का एब्जॉर्प्शन इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन कहां होता है, योर आंसर विल बी डीसीटी। क्लियर। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन पीसीटी, लूप ऑफ एनरे और डीसीटी पे भी होता है, पर किस पावर पोर्शन में नहीं होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, असेंडिंग कॉलम ऑफ लूप ऑफ एनरे, क्योंकि असेंडिंग कॉलम वाटर के लिए इम्परमेबल है, ये केवल सॉल्ट्स के लिए परमेबल है। तो आज के लेक्चर में इतना इनफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।